हाय दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू बाबू को कितने प्यारे से लग रहे हैं, और इनको मैंने झूले में बैठा दिया है। और पूजा पाठ हो चुकी है यहाँ पे, मैंने सोचा आप लोग को भी दर्शन करा देती हूँ। और शिव जी का भी यहाँ पे पूजन पाठ हो गया है, कान्हा जी का भी, सभी का। और चलिए फिर अब चलते हैं किचन, और किचन में बनाते हैं बच्चों के लिए लंच की तैयारी करनी है। और समय से उठो तो सब काम समय से हो जाता है। मैं किचन भी आ गई हूँ और बना रही हूँ क्या पास्ता। ये देखिए मैंने इसको बॉईल करके रखा हुआ है, और ये देखिए हाँ मूँगफली भी इसमें मैंने मिला दिया है, और यहाँ से हम बना देंगे। सो गाइज, मैं ऐसे ही पास्ता वगैरह बनाती हूँ। मतलब पहले तो सब चीज़ें ऐसे छौंका लगा देती हूँ इस पर, और फिर इसमें प्याज वगैरह जब लहसुन हो जाता है तब तो इसमें टमाटर डालती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, और फिर यहाँ पे नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर गल जाए। ऐसे पास्ता ना बहुत ही बढ़िया लगता है। और बताइए आप लोग कौन कौन ऐसे ऐसे पास्ता बनाते हो। और यहाँ पर अब डाल देंगे हम टोमेटो सॉस, और ये पे चिली सॉस भी डाल देंगे। सोया सॉस अभी नहीं है तो उसको अभी नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसा बनाती हूँ ना तो ऐसा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब देसी स्वाद का, देसी तड़के का स्वाद आता है, देसी तड़का ही लगता है, तो स्वाद तो आएगा ही। और यहाँ पे देखिए मसाला दानी मैंने जो भी सामान है डाल दिया है, और ये देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, और ये देखिए ये परफेक्ट हमारा ये रेडी हो चुका है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं बॉयल पास्ता। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मूँगफली भी डाला है, तो मूँगफली यदि ना डालूँ ना तो ना मुझे पोहा अच्छा लगता है ना पास्ता अच्छा लगता है। मूँगफली का ये क्रंचीपन ना बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे पास्ता मसाला ये जो 5 का पाउच आता है इसको डाले दे रही हूँ। तो ऐसे जब बनाती हूँ ना तो ऐसे खाने पर बहुत ही मुझे मज़ा भी आती है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आज बच्चों लोग को लंच में यही जाने वाला है। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मैं भून देती हूँ। और आज मैंने ये फिर से मैंने ये साड़ी पहनी है, पिंक कलर की और ब्लू कलर के ब्लाउज है। और ये साड़ी ना बहुत दिनों की हो गई, लेकिन ये अभी भी ट्रेंड में है, मतलब बहुत ही बढ़िया से लगती है। लगती नहीं है कि 5 से 6 साल पुरानी साड़ी है। और ये देखिए यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, और ये बस अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो बच्चे लोग के लंच में रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी बर्तन का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि बर्तन तो सुबह के हो ही जाते हैं, तो पहले मैंने यहाँ पे चाय वगैरह बनाया, और भी बर्तन है सब समेट के यहीं पे रखे हुए हैं। तो बच्चे लोग ना क्या है, स्कूल जब चले जाते हैं, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते जब तक थोड़ा ये करना वो करना बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है कितना सारा काम है, कितना सारा काम, काम की कमी ही नहीं होती। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये भी दुकान चले जाते हैं, तब लगता है यार कि अब तो बस मतलब जितना काम करो बस आधे घंटे में सारा काम निपट जाता है, फिर फ्री हो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बच्चों को भी खाने को दे रही हूँ, और यहाँ पे टिफिन में दे रही थी। यहाँ पे ठंडा हो चुका है तो ये बच्चों को निकाल के मैं दे देती हूँ ताकि वो भी खा लेंगे, और यहाँ पे टिफिन में लगा दूँगी। तो बस आज का नाश्ता यही पास्ता का ही नाश्ता है, और पास्ता ही लंच में जाएगा। और फ्रूट भी है तो फ्रूट भी अलग से ले लेंगे, बनाना ले लेंगे, सेव ले लेंगे। तो बस ये हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सो सॉरी आप पे ना 2-3 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि टाइम की बिल्कुल इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि वीडियो रहती है हमारे पास, फिर भी हमें वीडियो मतलब शेयर करने का टाइम ही नहीं होता है। तो ये देखिए, बल्कि बच्चे बोल रहे थे जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना टिफिन वाला, टिफिन लेने के लिए, लेकिन उसका भी बजट नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो 1000 के आसपास आता है, मतलब 900 या 1000 के तो एक मतलब आता है। तो अभी उसके मुझे बजट नहीं बन पा रहा है क्योंकि 2 टिफिन लेने पड़ेंगे बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी, दोनों के लिए। तो अभी इसलिए नहीं ले पा रही हूँ। बच्चे बहुत ही जिद कर रहे हैं, लेकिन इतना मतलब बजट बनाना मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि 1800 के 2000 का शायद आएगा वो वाला टिफिन। तो सोच रही हूँ कि देखती हूँ फिर, बच्चों लोग को बड़ा मन कर रहा है वो वाला टिफिन में, क्योंकि कुछ लोग को देखते हैं और इस मोबाइल में भी देखे हैं ना, ट्रेनिंग में चल रहा है तो बच्चों लोग का मन कर रहा है। मुझे भी लग रहा है यार कि ले दे, लेकिन कुछ थोड़ा बजट में होता कम से कम यदि 400-500 के करीब भी
तो ले लेते, लेकिन यार महंगा है तो अपने को भी सोचना पड़ता है। और यहाँ पे त्यौहार भी लगे हैं और जुलाई का महीना ना बहुत ही खर्चों से भरा होता है। और यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ाए दे रही हूँ, तो दाल मैंने अभी एक डब्बे भर दिया, डब्बे से ज़्यादा था तो मैंने स्टील के डब्बे पे रखा हुआ है। भुनी हुई दाल है, अम्मा जी ने बना कर भेजा है, बस यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी और बस यहाँ हमारा दाल चावल। और जब तक मैंने चढ़ा दिया दाल और दाल पक रही है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं तो मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो थोड़ा कॉम्बिंग की ले रही हूँ, तो बस यहाँ पे थोड़ा अपने बालों को संभाल लूँगी। तो मैंने कॉम्बिंग नहीं किया था, बाल की ले थे, सुबह सुबह से बस हो गए काम में लग जाते हैं, तो फिर लगता पहले तो काम निपटाएँ तो फिर ये करते रहेंगे, और फिर बाल की ले रहते ना तो कॉम्बिंग करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पर अब मैं कॉम्बिंग की ले रही हूँ और फिर इसके बाद आज अभी मुझे मेहंदी लगाने का मन कर रहा है, तो फिर अभी मेहंदी भी लगाऊंगी, देखती हूँ मैं लगाऊंगी नहीं तो बेटी भी लगा देगी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी दूसरे स्टाइल का काम कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ थोड़ा मतलब ये क्लिप ऐसे लगा के थोड़ा सा ना, कभी कभी एक ही प्रकार के कॉम करते करते बोर हो जाते हैं, तो मैं तो कभी कभी जिग जैग का ही डिजाइन बना लेती हूँ और कभी कभी ये तो ऐसे कंघी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस पर कागज पर क्लिप लगा था तो निकल ही नहीं रहा था, तो मुझे फिर से ये डिजाइन वगैरह जो कॉमिक कर रही हूँ बाल मोड़ के थोड़ा थोड़ा सा बाल लेके यहाँ पे मोड़ के तो उससे मुझे निकालना पड़ा। फिर ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिप की सहायता से कर लूँगी। और ये देखिए दोपहर का टाइम है जबकि मेरे हाथों पे मेहंदी लग चुकी है, तो मैं यहाँ पे देखिए मेहंदी लगवा ली हूँ और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और ये देखिए मेहंदी पर भी कैसी लग रही है आप लोग बताना। बस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों ने शेयर कर दिया है।